नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सुन रहे होंगे इन दिनों अपने क्षेत्रों में एक टीवी, पुरानी टीवी जो है उसका अचानक से क्रेज़ बढ़ गया, यानी उसकी डिमांड बढ़ गई है, उसकी लोग उसके कहीं रुपए देने के लिए तैयार है। जैसे कि मेरे पास भी फ़ोन कॉल आए हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं मैसेज वगैरह, कहीं लोगों के मैंने स्टेटस पर भी देखा उसके लाखों रुपये तक देने के लिए तैयार है। ऐसा क्या है उस टीवी में, ऐसा क्या, कुछ नहीं, उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है साथियों। उसमें एक आती है मर्करी ट्यूब, जो उसमें लिक्विड आता है, एक जिसे हम पावर ट्यूब भी कह सकते हैं, लिक्विड भी कह सकते हैं, और रेड मर्करी भी कह सकते हैं, या वाइट कलर की, अलग अलग तरह की होती है, अपनी भाषा में किसी भी तरह की उसे कह सकते हैं। अब उसके अंदर आता है एक लिक्विड, वो लिक्विड बहुत महंगा है, 1967 से लेकर के और 1989-90 तक की जो टीवी वगैरह हुआ करती थी उनमें वो चीज़ें मिलती है। और वो पहले के ज़माने में, मतलब गाँव में ही वो चीज़ें भी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि गाँव में उस चीज़ को एक अपने शुभ चीज़ों के लिए एक लक्की तौर पर मान करके या किसी की यादें मान करके उन्हें संजो करके रखते हैं हम। वो इसलिए कि अपने दादाजी की चीज़ें हैं तो उन्हें संजो करके रखी चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। शहर में तो लोग उसको बेच देते हैं। उस बारे में, उस ट्यूब में यह उसको चेक करने के लिए यह होता है कि वो ट्यूब के अंदर जैसे आप एक लहसुन लेंगे, जो लहसुन होता है उसको उसके पास में लेकर के जाएगा, तो जैसे जैसे उसके पास में से ऊंचा लेकर जाएंगे तो उसमें जो पारा है ना वो भी उसके ऊपर जाएगा, यानी जो चुंबक वो होता है वो चीज़ उसमें, सिस्टम उसमें वो देखने को मिलेगा। और इसकी कीमत मार्केट में बहुत महंगी है। वैसे तो अपने इंडिया में ये 1990 में ही बैन कर दी गई है, लेकिन कुछ लाइसेंस वाली जो कंपनियां हैं वो, और कुछ लोग जो तस्कर से यानी ब्लैक वगैरह से इसको सेल कर रहे हैं, इसका यही चीज़ है, ये ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसको मतलब गलत तरीके से विस्फोटक वगैरह का सुनने में आया कि इसका बम वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जा रहा है, विस्फोटक सामग्री वगैरह में। तो अगर आपके पास भी ऐसी चीज़ है तो इसको यकीन मानिए, किसी लोभ लालच में नहीं आना, आपको किसी को नहीं देना। ये नहीं सोचो कि अपने को इसमें पैसे मिल रहे हैं, पैसों को मत सोचो, क्योंकि मेरे पास भी ऑफर आया था 1,00,000 रुपये का। मैंने सोचा कि यार अपने पास भी ऐसा ऑफर है तो अपन क्यों इस चीज़ को गवाएं, क्यों मौके को गवाएं। लेकिन फिर मैंने इसको YouTube वगैरह पे सर्च किया, मेरे कई साथी थे उनसे पूछा जो साइंस वगैरह में इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, उन बंदों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गलत चीज़ है, इसका बैन है, इनलीगल है, अपने लिए भी घातक है और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ये चीज़ घातक है। तो ऐसे में अपने इस चीज़ को किसी अन्य व्यक्ति के पास में, इसके साथ में नहीं बेचना लोभ लालच में आकर के। हो सकता अगर विस्फोटक सामग्री बना दे तो कल को तारीख में अपने घर के आसपास ही कुछ ऐसी चीज़ खतरा हो जाए तो अपने लिए ये अपने लिए खतरा बन जाए चीज़, इसलिए अपने को इसको नष्ट कर देना है। और नष्ट भी ये नहीं कि इसको आप उसको फोड़ो, फोड़ना नहीं है इस चीज़ को, किसी हालत में फोड़ना नहीं है। और इसको जितना हो सके अपने पास में कहीं पर भी रख लो, लोभ लालच में इसको नहीं बेचे। उसकी और जानकारी कहीं सारी जानकारी रहती, लेकिन मैं आपको नहीं शेयर कर सकता वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेड होती है उसके माध्यम से। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, पर्सनल क्वेश्चंस इस चीज़ को लेकर के, तो आप कमेंट में, तो आपके कमेंट करें और कमेंट में आपको हर चीज़ का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।